हेलो एवरीवन। देखिए, आज एक मॉक टेस्ट होने वाला है और अभी तक जो है डायरेक्शन के हम लोग प्रीवियस ईयर देख चुके हैं, रैंकिंग भी कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में सिलॉग के भी क्वेश्चन हो गए थे, उसमें कुछ वेन डायग्राम के भी थे क्वेश्चन। आज जो चैप्टर है ये है काउंटिंग फिगर। एक दो क्वेश्चन मिसिंग कैरेक्टर का रहेगा और नंबर सीरीज का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपके जितने भी एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन है, सीमैट हुआ या सीवीटी एमबीए का पेपर हो गया, इसी के सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो नियर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, 30 to 40 सेकेंड का आप टाइम लीजिएगा और सभी लोग जो है चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर कोई भी अगर बोल के आंसर कर देगा तो फिर अदर स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए आप चैट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है? ठीक उसके बाद से फिर उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है और ये बीएचयू एमबीए 2021 का पेपर है, उस समय एनटीए ने इसको कराया हुआ था। ये देखिए सीट का क्वेश्चन है, 30 सेकेंड में सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करें। इसमें आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। जिन्होंने क्लास की भी है वो भी बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो भी 30 सेकेंड लेंगे तो भी बता सकते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन आते ही आप लोगों ने जो है आंसर करना स्टार्ट किया है, मैक्सिमम आंसर 2 से 3 सेकंड में आ गया और 100% जो है सभी का आंसर सही है, ठीक है? टोटल 25-30 आंसर आ चुके हैं मिनिमम और सबका आंसर सही है, ठीक है? देखिए इसमें आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको तरीका क्या बताया था, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो इनसाइड कितना बनेगा 4 और एक बाहर वाला आउटसाइड कितना हो जाएगा 5। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और एक बाहर वाला, ये कितना हो गया, टोटल 5 हो गया, ठीक है? सभी का आंसर सही है। इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, देखते हैं आप लोगों ने रिविजन किया हुआ है कि नहीं। अब जरा चैट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि अब कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे कि अभी कितने हैं, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर जो है 9 आ रहा है, किसी एक स्टूडेंट का 8 या 7 आया हुआ है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको। देखिए ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है ना, तो क्या लिखते थे, इनसाइड 4, ठीक है? एक ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल, फिर इसके ट्रायंगल इसके अंदर एक और ट्रायंगल है तो इनसाइड 4, ठीक है? टोटल कितना हुआ 8 और एक बाहर वाला हमेशा ले लेते हैं आउटसाइड, तो 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है? इसके अंदर अभी एक और ट्रायंगल हो जाता, उस टाइप का भी क्वेश्चन कराया, ठीक है ना? सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखिए ये जो है ये सीवीटी एमबीए 2022 का पेपर है, शिफ्ट नंबर 1 का, ठीक है? इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको जरा चैट बॉक्स में बताइए। अभी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर क्लास में कराना है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आया था तो इसी के साथ देख लेते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये 1, 2, 3 है, 7, 14, 105 है, 9 क्वेश्चन मार्क, 117 है। थर्टी सेकेंड के अंदर सभी लोग जो है आंसर बताएं। चलिए देखिए इसमें क्या लॉजिक हो रहा है, देखिए ये 105 है, तो ये 105 को जो है ना ये 7 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है? इसको और इसको जो है डिवाइड कर दे रहे हैं, कितना आएगा 15,
इसमें से एक माइनस कर दे रहे हैं तो ये मिडिल नंबर आ जा रहा है 14। इस तरीके से पहले वाले में देखिए 3 है, 3 को पहले वाले नंबर से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, एक माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये मिडिल नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से ये 117 है डिवाइडेड बाई 9 तो ये कितना आ जाएगा 13, 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर अभी क्लास में कराना है, इसको कराएंगे। इसमें बताइए क्या किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए क्या करना है आपको, बस डिवाइड कर देना है फिर एक एक माइनस कर देना है। देखिए यही लॉजिक इसमें है, यही इसमें है, यही इसमें भी होगा। ठीक है, किसी का 14 आ रहा था, ठीक है लॉजिक था उसमें, लॉजिक आप अगर कुछ है तो आप बता सकते हैं, उसको भी देख लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 75 बताइए, किसी में डाउट होगा ना तो माइक ऑन करके आप पूछ लीजिएगा। देखिए दिया गया है ना कि इन द नंबर सीरीज 1, 6, 15, P, 45, 66, 91, 91 द वैल्यू ऑफ P इज 21, 28। देखिए कह रहे हैं क्या P की वैल्यू 28 होगी, नंबर सीरीज क्या है लेकिन इसको स्टेटमेंट टाइप में दे दिया गया। फिर यहाँ पे भी एक सीरीज दी गई है, पी पूछा गया है क्या 15 होगा, चेक करिए आप। चलिए अवंतिका पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है, सबसे पहले इन्होंने आंसर किया है। और सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर बताइए। इसको भी डिस्कस करते हैं, 20 सेकेंड का टाइम और ले लीजिए। इसको डिस्कस करें कि अभी टाइम और चाहिए आपको 10, 20 सेकेंड, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो टाइम और दे देंगे। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो है क्या इसकी वैल्यू 28 होगी, तो यहाँ पे 28 रख के जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 और 6 के बीच में सीरीज में कुछ ना मिले तो क्या करते हैं, डिफरेंस रख के चेक करते हैं। तो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 6 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। ठीक है, और ये 15 और 28 में कितने का डिफरेंस है, तो ये 13 का डिफरेंस है। 28 और 45 में कितने का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। 45 और 66 में 21 का डिफरेंस है, 66 और 91 में 25 का डिफरेंस है। तो देखिए ये सिक्वेंस सही चल रहा है ना, इनके इनके बीच में कितने का गैप है, 4 का, यहाँ पे भी 4 है, 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 वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला तो सही है, यहाँ पे 28 ही होगा। अब दूसरे वाले में चेक करते हैं। ठीक है, पहले वाले में किसी को कोई डाउट है तो किसको इरेज करने वाले हैं? ठीक है ना, हमने यहाँ पे 28 रखा और गैप हम लोगों ने चेक किया, देखिए 5 का गैप, 9 का गैप, 13 का गैप, 17, 21, 25, तो देखिए इन सबके बीच में कितने का गैप है, 4 का। तो ये सीक्वेंस सही है, इरेज करें ना इसको। अब दूसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी की वैल्यू 15 होगी, तो एक सेकंड के लिए पी की वैल्यू 15 रख लेते हैं। अब जरा आप एक बार में ये देखिए, यहाँ 4 से 1 हो गया तो चलिए 3 कम हो गया,
फिर ये 3 से -8 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, 20 से ये 29 हो जा रहा है। आप देखिए जरा ध्यान से, देखिए इसमें दो सीरीज चल रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ 8 से क्या हो गया, -20 हो गया, फिर 20 से ये क्या हो गया, -32 हो गया, फिर -32 से ये क्या हो गया, ठीक है, -44 हो गया। इनके बीच में जरा डिफरेंस देखिए, 8 से 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का, ठीक है। फिर 20 से 32 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का, और 32 से 44 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का, ठीक है। चलिए अब जरा इधर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू ये 15 कह रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ 15 रखा हुआ है, 1 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 14 का। 15 और 29 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 14 का। 29 और 43 में कितने का डिफरेंस है, 14 का। 43 और 57 में कितने का डिफरेंस है, 14 का। इसका मतलब पी की वैल्यू क्या है, 15 है, ठीक है। सिक्वेंस सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। कहीं किसी को कोई डाउट है, ठीक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, रिपीट करेंगे या फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ये सीवीटी जो है, एमबीए 2021, सॉरी 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब ये जो है सीवीटी एमबीए दो शिफ्ट में पेपर हुआ था ना, तो ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें भी दो क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। कह रहा है कि द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 126, 98, 70, 41, 14 इज 41। और इस तरीके से एक और सीरीज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है 7, 28, 63, 124, 215, 342। तो यहाँ 342 कह रहा है, गलत है, चेक करके बताइए। किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो माइक ऑन करके पूछिएगा। अभी तक एक आंसर आया है सालू राय, और पहला ये आंसर सही है, ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने अपना आंसर चेंज कर दिया है और अब गलत है। टाइम लग रहा है क्या आप लोगों को, ये तो हो जाना चाहिए था, मैक्सिमम 40 सेकंड में हो जाना चाहिए था इसको। चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिए, सब पे नजर है। चलिए देखते हैं इसको, दिया गया ना कि, तो थोड़ा जूम करते हैं, क्या है, ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है। अब देखिए कह रहा है ना कि ये 41 गलत है, तो एक काम करते हैं कि बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 126 और 98 में कितने का डिफरेंस है? 28 का है। ये 98 और 70 में कितने का डिफरेंस है? तो 28 का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए 70 और 41 में कितने का डिफरेंस हो जा रहा है? तो ये कितने का डिफरेंस हो रहा है? 29 का डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ 28 है, यहाँ 28 है, तो यहाँ पे भी 28 होना चाहिए ना। यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 42 होनी चाहिए। तो 42 रहता तो कितने का डिफरेंस रहता? 28 का रहता। और यहाँ पे भी 42 रहने से 28 का डिफरेंस होता, तो सच में 41 ही क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ सही है कि पहला जो है गलत है, स्टेटमेंट वन जो है 41 यहाँ पे गलत है। अब आइए यहाँ पे स्टेटमेंट टू में क्या कह रहा है कि द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज 342। अब देखिए क्या ये 342 गलत है? तो आप ये देखिए, ये सीट का क्वेश्चन है ये। देखिए ये 7 है ना, तो ये क्या हो रहा है? 2³-1। ठीक है, सभी वैल्यू आप अगर ध्यान से देखिए, हमने कहा था ना कम से कम 20 तक क्यू वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ये तुरंत आप देखेंगे तो कर ले जाएंगे। ये देखिए क्या है, ये 3³-1। ठीक है, ये कितना है आपका? 4³-1। ये कितना होगा आपका? 5³-1। ये कितना होगा? 6³-1। ये आपका क्या होगा? 7³-1। ठीक है, तो 7³-1, ठीक है, सॉरी, ये भी सही है। इसमें गलत क्या हो रहा है? इसमें 28 ना, 28, ठीक है, ये चीज गलत है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये सभी सीरीज फॉलो हो रही है, 342 भी सही है। तो कह रहा है कि द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज 342, नहीं, ये 28 गलत है इसमें। ठीक है, तो ये चीज तो गलत है, पहला वाला सही है। तो आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत है? सब में क्या हो रहा है? सब में हो रहा है q-1। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये चीज यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। इसमें 28 गलत था। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ये भी सीरीज का है, इसको बताइए। सीरीज वन एंड सीरीज टू दिया गया है। यहाँ पे 2 है, 10 है, 60 है, 420 है, 3360 है, पी है। और यहाँ पे भी एक सीरीज दिया गया है, पी डिवाइडेड बाई क्यू आपसे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें सबसे पहले आंसर जो है अब्दुल रहमान का आंसर आया हुआ था। चलिए सही भी है। इसको बताया जाए, देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहां से ये 2 से 10 हो जा रहा है, फिर ये 10 से 60 हो जा रहा है,
ठीक है, 60 से ये 422 हो जा रहा है, सॉरी 420 हो जा रहा है। तो आप ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है कि नहीं? फिर ये 10 से 60 हो गया, तो क्या हो रहा है, इंटू 6, 60 से 420 मतलब इंटू 7, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 8। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 5 से फिर यहाँ 6 से, यहाँ 7 से, ठीक है, फिर यहाँ 8 से, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। आप क्या करिए, 3360 में 9 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो देखिए या तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या एक काम करिए 3360 में जो है ना 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3360, और फिर इसमें से आप ये 3360 माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो आप या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर इसको एक बढ़ा के जो है माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू हो जाएगी कितनी आ गई, ठीक है, 3240। ये सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज है 220, फिर यहाँ पे डैश है, 110 है, 182 है, 272 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाए, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 18 का है। ठीक है, 110 और 182 में कितने का डिफरेंस है, 72 का है, और 182 और 272 में कितने का डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है। तो आप अगर देखिए 18 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे 1836 हो जाए, यहाँ पे 56 हो जाए, फिर 72 90 सीरीज चलेगी, तो 20 और 36 जरा प्लस करिए कितना होगा, 56। अगर यहाँ पे 56 हो तो सीरीज सीक्वेंस में हो जाएगी कि नहीं, ठीक है, सब में कितने का गैप होगा, सब में 18 18 का गैप होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे नंबर सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे 56 हो गया। अब कह रहा है कि पी डिवाइडेड बाई क्यू, इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 540। कहीं किसी को कोई डाउट है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें? सर 56 में 18 ऐड करेंगे तो 72, सर 56 के बाद का नंबर बताइए। 56 में 56 ऐड करना होगा ना, क्योंकि ये सीरीज देखिए कैसी चल रही है, यहाँ पे 18 है, यहाँ 36 है, यहाँ 56 है, यहाँ 72 है, यहाँ 80 90 है, सब में डिफरेंस 18 18 का है ना। सर वहां पे 54 होगा डिफरेंस, 36। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ 54 होगा। ठीक है, चलिए और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए, लास्ट ईयर जो है एएमयू में कोई क्वेश्चन नहीं था, इससे सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं था, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर से भी नहीं था, सीबीटी एलएलबी में भी नहीं था। अब कुछ क्वेश्चन जो है सीमेट के देखते हैं, सीमेट के क्वेश्चन इसलिए देखते हैं ना क्योंकि इसका भी एग्जाम एनटीए कराती है, तो पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है। भी सीबीटी वाले स्टूडेंट हैं, सीमेट के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, और सीमेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेनिफिट है। कैलकुलेशन था उसमें, ज्यादा टफ नहीं था। इसको बताइए सभी लोग, अब जब आप सीवीटी और सीमेट को कंपेयर करेंगे ना तो देखेंगे कि सीमेट बहुत ही इजी है। सीमेट के हमने अभी 4-5 साल के पेपर लिए हैं, अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 24 है, 48 है, 63 है। ठीक है, ऑप्शन ये चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, 35 है। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 11 का है, 35 यहाँ पे भी 11 का कितने का डिफरेंस है, सॉरी 13 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 48 और 63 में कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। तो देखिए ये सीक्वेंस चल रही है, यहाँ पे 11, यहाँ 13, यहाँ 15, तो 35 जो है ना ये सही हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 14 रखें तो वैल्यू कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर ज्यादा होगी, तो ये तो सीक्वेंस बनेगा नहीं। 37 चेक कर लेते हैं, ठीक है, किसी का चैट बॉक्स में 37 आया था, किसी का 37 नहीं लेकिन डी आया हुआ है, दो तीन आंसर डी आए हुए हैं, 37 भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा आप इनके बीच में देखिए डिफरेंस कितने का होगा, ठीक है, 13 का हो जाएगा, इनके बीच में आप डिफरेंस देखिए कितने का हो जाएगा, ठीक है, 11 का हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ 15 का हो जाएगा, तो फिर यहाँ कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। 39 में कुछ आंसर आए हुए थे, 4-5 आंसर 39 आए हुए थे,
चेक करिए जरा, यहाँ पे 39 देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा? ठीक है, 15 का डिफरेंस हो जाएगा ना, और 39 और 48 कितने का डिफरेंस हो जाएगा? यहाँ पे 9 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 का डिफरेंस हो जाएगा। कोई लॉजिक दिख नहीं रहा, पहला वाला सही है। ठीक है, और एक चीज और है, ये देखिए क्या है, ये आपका, ये देखिए क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, एक लॉजिक ये भी है, 6 स्क्वायर माइनस 1 ये भी है, 7 स्क्वायर माइनस 1 ये भी है, ठीक है, और 8 स्क्वायर माइनस 1 ये भी है, तो दूसरा लॉजिक ये भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें, बढ़े ना आगे, हाँ लिख दीजिए, ठीक है, चलिए इसको बताइए, ये 2021 का पेपर है सीमेट, ये सब 30 to 40 सेकेंड वाले हैं, चलिए मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं हमारे पास, चेक करते हैं इसको। देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, ठीक है, ये 15 माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे -20 हो रहा है, यहाँ -25 हो रहा है, यहाँ पे -30 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, -35 होगा, तो क्या होगा, 85 सभी का आ गया, तो ठीक है, फिर इसको बताइए, किसी में भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत। अब्दुल रहमान का सबसे पहले आंसर आया है, बिल्कुल सही है, उसके बाद भी जो आंसर आए उनका भी सही है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 7 से 9, 9 से 14, 14 से 27, 27 से फिर 28, तो आप देखिए कहीं माइन्यूट सा डिफरेंस है, फिर कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। देखिए 7 into 2 14 हुआ, 14 का डबल कितना हुआ, 28 हुआ, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 9 into 3 27 हुआ, 27 into 3 81 हुआ, नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, यहाँ से जाएगी इंटू टू हो जाएगा, तो क्या होगा, 56 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 56 हो जाएगा, सिंपल है, एक ही साथ दो सीरीज चल रही थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको बताइए, ये 2020 में आया हुआ है, एक ही बताना है आपको, तो ठीक है, एक ही गैप बताना है। आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है,
कुछ लोग कर ले रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, वो फाइनल में बताएंगे कितने सही हुए। हाँ चलिए, सबसे पहले जो है डैश डैश, किसी का नाम है डैश डैश, ठीक है, इन्हीं का आंसर आया सबसे पहले और सही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 और 12 है ना, ठीक है, तो इसमें देखिए इंक्रीमेंट कितने का है, +9 का इंक्रीमेंट है। 12 और 27 में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 15 का हो रहा है, ठीक है। 27 और 48 में कितने का इंक्रीमेंट है, 21 का है। 48 और 75 में कितना है, 27, ठीक है, और 75 और 108, 25 इधर हुआ और 8 उधर हुआ, तो कितना हो जाएगा, 25 और 8, ठीक है, 33 का गैप इधर हुआ। तो आप ये बताइए यहाँ 5, 15, 21, 27, 33 सबके बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है कि नहीं, तो यहाँ पे भी 6 का गैप होगा, तो 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39, और 108 और 39 कितना हो जाएगा, 147। तो सी इज द राइट आंसर, सिंपल था। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए। देखिए मैक्सिमम आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 9 से 11, 11 से 13, +2 +2, फिर 13 से 15, 15 17, 10 12 12 14, 10 12 12 14, 14 16 18 हो जाएगा, +2 हो रहा है ना, 11 13 फिर 15 हो जाएगा, तो 18 और 15 हो जाएगा, ठीक है, ये सभी का सही है, बहुत अच्छी बात है। इसको बताइए सभी लोग, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, मिसिंग इसके आगे बताना है आपको, ठीक है। 24 है, 28 है, 30 है, 34 है, फिर बताना है। ये मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं, किसका पहले आया है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा चैट बॉक्स में जाके, क्योंकि तो 30+ आंसर हो चुके हैं। इसका सही है, अर्पित कुमार का सबसे पहले सही आंसर आया था, आंसर तो सबका आ गया है सही है। देखिए क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे +4 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे +4 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, +2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 36, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसको बताइए, 2 है 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर डैश है। हरिओम का सबसे पहले आंसर आया है और बिल्कुल सही आंसर है। और सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करिए, जो नहीं भी कर रहे ना उनका भी नाम हम देख रहे हैं। चलिए देखिए क्या होगा, देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से 2 से 1 हो गया ना, ये देखिए 1 से हाफ हो गया, फिर 1/2 से 1/4 हो गया, तो क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, हाफ हाफ हो रहा है, तो 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/8, सिंपल था। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये 2020
2018 में पूछा गया है सीमेट में। क्वेश्चन क्या है? जीरो है, सिक्स है, फिर सिक्स है, 20 है, फिर 20 है, फिर डैश है। ये 2018 में आया हुआ है सीमेट में। ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। ऑप्शन दे दिया जाए। अच्छा, ये ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। अमन जायसवाल आपका आंसर सही है, और भी आंसर आए हैं, ठीक है। अमन जायसवाल का सबसे पहले आंसर आया है, और कुछ लोग कह रहे हैं मैन ऑफ बीच। नियर अराउंड 10 के आसपास आंसर मैन ऑफ बीच आ रहा है। इसको ट्राई कर लीजिए, 30 सेकेंड का टाइम और ले लीजिए, फिर ट्राई करिए। चलिए, अच्छी बात है, 1 मिनट के अंदर सभी लोग लगा ले रहे हैं मैक्सिमम। देखिए सही आंसर जो है ना, ये 42 है। कैसे है इसको देखिए, देखिए यहां से यहाँ क्या हो रहा है, +6 हो रहा है ना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, (1) हो जा रहा है, 6 × 1, ठीक है, 6 हो गया। फिर जरा देखिए 6 से 20 क्या हो रहा है, +14 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 × 1, 20 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, देखिए ये 6 से 14 हुआ ना, यहाँ तो (1) है, यहाँ पे भी (1) है, ठीक है। अब देखिए ये 6 से 14 इंक्रीमेंट हो रहा है ना, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब एक और सीरीज रहती, वहां पे भी देखते कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तब कुछ कहते। लेकिन जब यहाँ पे 8 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दूसरी वाली सीरीज में भी क्या कहेंगे, 8 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ 14 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 और 8 22, तो 20 और 22 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 42 जो है ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए तो टोटल सर, इसका कोई और लॉजिक हो सकता है ना, इसका कोई और लॉजिक सर, वो ऑड नंबर और माइनस वन कर देंगे ना, 1 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -3, ठीक है, 5 का स्क्वायर -5, ठीक है। देख लेते हैं दूसरा भी ऑर्डर, देख लेते हैं, ये 0 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, फिर क्या कह रहे हैं, इसको क्या कर दिया जाए, 1 का स्क्वायर -1 कर दे, हाँ, फिर इसको क्या कर दिए, 3 का स्क्वायर -3, ठीक है, 1 3, और फिर इसको क्या किया जाए, 5 कर दिए, 3 कर सकते नहीं सर, ये कहाँ लॉजिक हो रहा है फिर, ठीक है सर, ये वाला लगेगा, क्या चीज, 2 का स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, क्या कह रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 2 9 सर, +2, यहाँ पे कहाँ +2 चलेगा, यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 कह सकते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 चलिए कह सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 4, 4 स्क्वायर प्लस 4, अच्छा सर ये चलेगा, और यहाँ पे 6 स्क्वायर, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 4 हुआ, फिर यहाँ पे क्या आ जाए, 6, यहाँ पे क्या आ जाए, 6 स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो 2 जगह 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 4 रिपीट हो रहा है, फिर ये 6 रिपीट होगा, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है सर,
फर्स्ट वाले में थ्री स्क्वायर माइनस थ्री, सेकंड वाले में टू स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस वन, दो स्क्वायर प्लस दो यहाँ, लेकिन ये वाले पे फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और वन स्क्वायर वन कर सकते हैं, क्या वन स्क्वायर माइनस वन, वन स्क्वायर माइनस वन, वन स्क्वायर और वन स्क्वायर माइनस वन वाला लग जाएगा सर। देखिए कोई एक ऐसा बताइए जिसका सही हो, अभी किसी ने वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस वन और नंबर लेके सर वही बताइए जिसका सही हो। और वन स्क्वायर माइनस वन, वन स्क्वायर माइनस वन, फिर टू स्क्वायर प्लस टू, थ्री स्क्वायर माइनस वन, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माइनस थ्री, फिर यहाँ पे क्या कर लिया जाए, टू स्क्वायर प्लस टू, फाइव स्क्वायर माइनस फाइव, टू स्क्वायर प्लस टू, एक सेकेंड, फाइव स्क्वायर माइनस फाइव से ये आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, यस सर, नो सर, अजीब सर ये आ जाएगा, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री कर लेंगे यहाँ, फिर ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला स्क्वायर, बस सेवन स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये सेवन स्क्वायर हो जाएगा, सेवन स्क्वायर माइनस सेवन करना होगा, हाँ तो यहाँ से भी आ जाएगा, ये भी ठीक है क्योंकि इसके पहले जीरो ठीक है। एक तरीका और हो सकता है क्या, वन स्क्वायर माइनस वन यहाँ हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, फिर थ्री स्क्वायर माइनस थ्री हो गया, फिर थ्री स्क्वायर थ्री यहाँ पे भी हो गया, ये फाइव हो गया, फिर यहाँ सेवन, नहीं सर ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा ना सर, हर जगह दो दो कर रहे हैं, कि वन एक ही बार किए हैं, तीन दो बार हो जाएगा, पांच दो बार हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए ये आपको क्या करना है, देखिए ये थ्री वाला यहाँ पे दो बार चेक हुआ, फाइव वाला दो बार चेक हो गया, अब इसके बार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए यहाँ पे भी तो वही है ना, एक ही बार तो चेक हो रहा है, इसके पहले भी वैल्यू क्या आई होगी, जीरो ही आई होगी, बताइए चैट बॉक्स में कितने सही हुए आपके, ऐसे माइक ऑन करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में ही बता सकते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन थे, ठीक है टोटल तेरह थे ना, ठीक है थर्टीन में बताइए कितने सही हुए, आशुतोष थर्टीन, अभिनव टेन, एसपी दुबे 11, काउंट करके बताइए, सालू राय 10, अवंतिका 12, आयुष 11, अब्दुल रहमान 9, अनुज 7, अमन 7, शिवानी 10, पंकज 11, निश्चय 10, अरुण 10, आसिफा 7, सबाना 10, प्रदीप 9, कुमकुम 7, दिव्या 11, संजीव 7, ठीक है शिवम 8, आदित्य 7, पूजा 7, ठीक है चलिए, तो 13 में 13 जो है ये सिर्फ एक स्टूडेंट का सही हुआ है, और भी किसी का सही हुआ है 13 में 13, चलिए देखिए जितने भी अभी आपने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन किए उसके बाद जब आप टीवीएस या पेपर आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं कुछ खास है नहीं, जैसे आप अभी इसको देख लीजिए, इतने ये वाली सीक्वेंस आप लोगों ने देखी ही थी क्लास में, ठीक है ये भी सिंपल था, सीमेंट वाले जो क्वेश्चन थे ना ये सिंपल थे, ये भी देखिए यहाँ पे इंटू टू हो रहा है, यहाँ इंटू थ्री हो रहा है, ये भी सिक्वेंस सही था, ठीक है ये माइनस का डिफरेंस का सिक्वेंस है, ठीक है यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं कि डिफरेंस से आप कर सकते हैं या स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है चलिए फिर देखिए प्रैक्टिस से जो है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको लॉजिक मालूम चल जाएगा, ठीक है कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, ठीक है देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था जो सीबीटी में आया था लास्ट ईयर, ठीक है ये 76 था और एक और क्वेश्चन था ना ये 74, तो ये भी डिफरेंस से क्वेश्चन हो गया था, फिर अगर इस सेट की बात की जाए तो ये भी देखिए जो है डिफरेंस ये भी निकल जा रहा था, तो क्वेश्चन जो है ना सिंपल ही था ये पूरा, एयू में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है उसमें डायरेक्ट सीमैट की तरह जो है ना ऐसे नंबर लिखा होता है, ऐसे स्टेटमेंट नहीं रहता है एयू में, ठीक है अब इसमें क्या है ना एक साथ आपको दो सीरीज चेक करनी पड़ रही है, ठीक है फिर आपको आंसर करना, नहीं तो फिर आपको एयू में ना एयू एमबी या एयू एलएलबी या एयू, ठीक है एक ही सीरीज आपको दिखेगी, क्वेश्चन नंबर सीरीज से एक से दो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ठीक है आप देख लीजिए एक से दो ही आए, बताइए सर एयू का मीडियम हिंदी रहता है या इंग्लिश, इंग्लिश रहता है, ठीक है
तो इस तरीके से देखिए जितने भी चैप्टर आपके होते जा रहे हैं ना प्रीवियस ईयर हम लोग करते जा रहे हैं, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, सिलॉग के भी आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अभी वेन डायग्राम कराना बाकी है, ठीक है। वेन डायग्राम की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अभी उसमें कुछ क्लास लेनी है, फिर उसके प्रीवियस ईयर देखेंगे। और अभी मिसिंग कैरेक्टर पढ़ाना है, हो सकता है आज रात में क्लास चले उसकी, और मिसिंग कैरेक्टर से एक से दो क्वेश्चन आए थे इसीलिए हमने उसको पहले ही डिस्कस कर लिया। नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे ना आप प्रीवियस ईयर करते रहिए, अभी इसका सेक्शनल भी होगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।